केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड के कद्दावर नेता सह झामुमो के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय साइमन मरांडी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 13 अप्रैल को डुमरिया में भव्य प्रार्थना सभा आयोजित होगी, जिसमें झामुमो कार्यकर्ता सहित आम लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूर्व मंत्री स्वर्गीय साइमन मरांडी ने अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और 4 बार लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने। वर्ष 1972 को पहली बार लिट्टीपाड़ा के प्रखंड प्रमुख पद पर विजय होकर राजनीति में सक्रिय हुए थे। इसके पूर्व जितादो मिशन पाकुड़ से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वहीं दुमका एसपी कॉलेज से स्नातक से डिग्री प्राप्त की। गरीबी से अभिशप्त दिवंगत नेता ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद पाकुड़ न्यायालय में करीब 8 वर्षों तक अधिवक्ता के साथ पेशकार का कार्य भी किया था। वर्ष 1977 को पहली बार लिट्टीपाड़ा से विधानसभा के लिए निर्दलीय मछली चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें करीब 167 वोटों से विजय हासिल की थी। इस दौरान उन्हें आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। क्षेत्र के आदिवासी और गैर आदिवासियों की अथाह प्रेम और सहयोग से हमेशा राजनीति के पुरोधा बने रहे। वर्ष 1978 को शिबू सोरेन को संथाल परगना क्षेत्र में पहली बार लाकर डुमरिया में बैठक हुई। इसके बाद दिवंगत नेता ने गुरुजी को लेकर काठीकुंड में नलिन सोरेन में घर में बैठकर झामुमो की नींव रखी। महाजनी प्रथा और अलग राज्य के निर्माण की बिगुल संथाल की धरती से प्रथम बार फूका गया। हमेशा से गुरुजी की सारथी बनकर आंदोलन में डटे रहे। जुलाई 2013 में विधायक हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से निडर, निर्भीक और गरीबों के लिए समर्पित नेता के रूप में चिन्हित कराए। पर 13 अप्रैल 2021 को कोलकाता में इलाज के दौरान इनका देहावसान हो गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।